मेरी माँ तो मेरे लिए दुश्मन, ऐसे रोए हो रहा, मेरी माँ तो मेरे लिए, मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी, इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल था। और फिर खुद के रिश्तेदारों ने भी मुझे गंदी नजरों से देखा, जो मेरे रिश्ते में भाई भाई तक लगते थे, तो इन्विटेशन देते थे व्यभिचार का, जैसे फोन नंबर तो सभी के पास होते हैं, वीडियो भेज दी, अच्छा ऐसे करते थे, तुम्हें मतलब पूरी तरह फोर्स करते थे गलत काम करने के लिए। और मैं सोचती थी मतलब क्या, मेरी मदर ने कहा कि तू उसके पास जा, कुंडली वगैरह जैसे दिखाते हैं कि, फिर मैं उसके पास गई, मतलब वो मेरी जिंदगी का इतना बुरा दिन था, उसने मुझे ये बोला कि तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा। आज मेरे घर वालों को भी ये बात पता नहीं है, सोच लो, मेरे घर वालों को भी ये बात, रोहित ने कहा तेरा ग्रह तब टूटेगा जब मेरे साथ सोना, मतलब व्यभिचार करना पड़ेगा। पर मेरे हालात वैसे बने हुए थे, लोगों का, बुरे लोगों का मेरी जिंदगी में आना बंद नहीं हुआ, बट मैं फिर भी चली, अगर मरना है तो मर जाऊंगी, बट मैं जय मसीह की कलीसिया। ओके, स्टार्ट कर दो जो भी आप बताना चाहते। मैं प्रभु में पिछले 5 साल से थी, मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं परमेश्वर में आई थी, मतलब मेरी लाइफ में किसी और चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी हाईली एजुकेटेड हूँ, मतलब फाइनेंस मेरा अच्छा था, सब कुछ ठीक था, बट मेरी कितना पढ़ी है तुम? पापा जी मैं डी फार्मा हूँ और प्लस 3 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है मेरे पास। अच्छा मास्टर डिग्री है, हाईली पढ़ी लिखी है तो जी। और अभी क्या करती है तुम? मैं मेडिकल में आयुष डिपार्टमेंट में एज ए फार्मेसी ऑफिसर हूँ। अच्छा फार्मेसी ऑफिसर हो अभी आप, गवर्नमेंट जॉब है? हाँ जी गवर्नमेंट जॉब है, पिछले 11 साल से मेरे 11 साल से। ओके ठीक है, बताओ। मतलब सब कुछ ठीक था मेरे पास, बट मेरी जिंदगी का एक हालात था कि मेरी लाइफ में बहुत बुरे लोग आते थे, मतलब नेगेटिव लोग मेरी लाइफ के अंदर आते थे। मेरे फादर की डेथ बहुत छोटी थी मैं जब हो गए थे, मेरे 2 भाई हैं आर्मी में थे, पर मेरी लाइफ में जैसे जैसे मैंने ग्रो किया तो मैंने देखा कि मेरे लाइफ में लोग बहुत बुरे आते थे। तो ऐसे कुछ मतलब मेरी लाइफ में हुआ था कि मैं बहुत टूट चुकी थी, और उसके बाद क्या हुआ था कि जब मतलब वो हालात मेरे जीवन में आया तो मैं मतलब टोटली डिप्रेशन में जा चुकी थी, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी थी एक तरह से, मतलब मेरे को ना इंसानों के ऊपर कोई भरोसा नहीं था, और मैं धार्मिक थी, मतलब संसार की अकॉर्डिंग मैं बहुत धार्मिक थी, मतलब मैं अपने धर्म को बहुत मानती थी, बहुत धार्मिकता करती थी, पाठ पूजा करने वाली थी, बहुत ज़्यादा फास्टिंग ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा दान, मतलब पापा जी मैं 3 बार रात की यात्रा पे गई ऑन फुट, 3 दिन का ट्रैक होता है जहाँ पे ऐसी चीजें। हाँ और कितने किलोमीटर होता है वो? जिस साइड से, एक साइड से 14 किलोमीटर, एक साइड से 26 किलोमीटर। इतना किया? 3 दिन का ट्रैक, 3 दिन का ट्रैक पापा जी, और वहाँ पे सांस रुकती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। और मैंने वो ट्रैक कितनी बार किया? 3 बार किया है मैंने। 3 बार की मेरी जिंदगी बच जाए। हम मतलब कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, और मुझे सही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। तो मैं बर्फ पे सोते थे हम लोग, मतलब वो बहुत रिस्की यात्रा है, आपको पता है टेररिस्ट के अंडर भी वो मतलब रहता है। तो मैंने कोई जीवन पाने के लिए, हाँ मैंने जीवन पाने के लिए, और मुझे सब मतलब मेरी सांस रुकनी स्टार्ट हो गई थी, बट मैं फिर भी चली, मैं चली, अगर मरना है तो मर जाऊंगी बट मैं पाके रहूंगी, मतलब मैं इतनी रिलीजियस थी संसार की धार्मिकता। एक बार पापा जी मैं मतलब जो वो होते हैं मतलब पुरोहित टाइप होते हैं, तो हाँ जिनके पास वो तुला दान टाइप करवाते हैं, तो मेरी मदर ने कहा कि तू उसके पास जा, कुंडली वगैरह जैसे दिखाते हैं कि, फिर मैं उसके पास गई, और उसके पास क्या है कि मतलब मैं जैसे ड्यूटी से गई तो मैं सीधी चली गई उसके पास, उसने सारे लोगों को निपटा दिया, मैं सच बोलूँगी मतलब जो भी था उसने सारे, फिर मेरी बारी आई, फिर उसने बोला तेरे ग्रह बहुत भारी हैं और मैं एक बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, और अगर तुझे अपने ग्रहों से तो तुझे मतलब बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्या पूजा पाठ होगा, क्या पैसे ले लेगा ना, यही होगा और क्या हो सकता है इससे बड़ा। मैंने बोला ठीक है, क्या कैसी पूजा है, क्या कैसी पूजा है पापा जी, मतलब वो मेरी ज़िंदगी का इतना बुरा दिन था, उसने मुझे ये बोला कि तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा। आज मेरे घर वालों को भी ये बात पता नहीं है, सोच लो, मेरे घर वालों को भी ये बात, रोहित ने कहा तेरा ग्रह तब टूटेगा जब मेरे साथ सोना, मतलब उसने किसी को करना पड़ेगा मेरे फ्रेंड सर्कल में भी।
और मैं मतलब मैं पढ़ी लिखी थी तो मैं इस चीज में नहीं आई है ना, मैंने उसको बोला, मैंने कुछ नहीं उसको बोला, मैंने बोला भगवान अगर कहीं है ना तो तुझे जरूर देखेगा। मैं वहां से उठी और आ गई। फिर मैं उसके बाद सोचूं मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मतलब मेरे भाई बहनों की सबकी शादियां हो चुकी थी, मैं बिल्कुल अकेली थी, फादर की डेथ हो गई जी, मम्मी मेरी बुजुर्ग इतने पढ़े लिखे नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं सोचूं मैं क्या करूं, संसार में मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं, मैं कहां जाऊं क्या करूं। फिर हमारे घर पे मतलब मेरे जो भाई हैं आर्मी में, उनके बेबी नहीं था तो उन्हें परमेश्वर के बारे में पता चला, तो वहाँ से उनको बेबी हुआ। तो एक सिस्टर अभी जो गवाही देगी, जिनके हस्बैंड नशा करते थे, वो सिस्टर हमारे घर आती थी। एक दिन वो जबरदस्ती मेरे रूम में घुस आई, मैं कुंडी मार देती थी, धर्म चेंज करने वाले हमारे घर पे आ गए, ऐसा हो गया। वो मेरे वो प्रभु को जानने लगी थी तो जबरदस्ती मेरे रूम में घुस आई और मैंने उससे बातें की, उसने बोला तुम एक बार चर्च आओ। फिर हम लोकल चर्च में जाते थे, वहां से मेरे साथ परमेश्वर की यात्रा शुरू हुई। और उस जब मैंने साल पहले, हाँ 5 साल पहले, तो फिर उस यात्रा में, वो यात्रा भी मेरे लिए सिंपल नहीं रही पापा जी की, वो यात्रा मेरे लिए सिंपल रही हो। उसमें भी उस जब मैं परमेश्वर में आकर भी क्या हुआ, क्या हुआ तेरे साथ? फिर क्या हुआ कि जब मैं प्रभु में आ गई तो हम लोकल चर्च जाते थे, मैं पहले से ना चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती हूँ, तो जिस चर्च में हम जाते थे वहाँ पार्शलिटी होती थी, बड़े लोगों को आगे छोटे लोगों को पीछे। फिर मैंने बोला प्रभु के घर में तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती, हमने छोड़ दिया। फिर हम दूसरी चर्च गए, वहां सिर्फ वचन वचन देते थे, आत्मा उत्मा का वहां कुछ नहीं था, वो भी मैंने छोड़ दिया। तीसरी चर्च गई, वहां भी यही चीजें थी, वहां से मैंने बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म मेरा वहां से हुआ। तो बैप्टिज्म लेने के साथ ही मुझे ये शिक्षा दी गई कि अगर जैसे आज तेरा बैप्टिज्म हुआ, अब शैतान तेरे जिंदगी में उथल पुथल मचाएगा, ऐसी शिक्षा मिली। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है, उसने बोला कि अब तुम्हें सतर्क खड़े रहना है, अब शैतान तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाएगा। ये टीचिंग है, तो उन्होंने बोला कि गलत टीचिंग है। उन्होंने ये कहा कि जैसे संसार के लोगों के पीछे शैतान नहीं जाता, पर जो परमेश्वर में आते हैं लोग वो उनके पीछे जाता है, उनकी लाइफ को उथल पुथल करता है। तो मैं फिर रेडी होगी कि चलो देखते हैं क्या होता है। फिर वो जो चर्च थी वो भी मुझे कुछ वचन का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मतलब पवित्र आत्मा तो मैं जानती भी नहीं थी। फिर मैं ना सर्च करने लगी कि क्या है प्रभु, क्या है प्रभु, परमेश्वर है क्या। तो मैं फिर मैं एक बहुत बड़ी चर्च है, मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा, मैं अकेली उस चर्च में गई, मतलब काफ़ी बड़ी चर्च, अकेले मैं उस चर्च में गई, बिल्कुल एक लड़की होते हुए मैं अकेले उस चर्च में पहुँची जाके, और मेरा वहाँ लैंड भी हुआ, मतलब वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड होता था, मेरा लैंड भी हुआ। पर जो प्रॉब्लम मेरे साथ थी नहीं गई, पर हाँ मैं बाइबल पढ़ना स्टार्ट मैंने कर दिया था, वचन जितने समझ आते थे आती थे, बाइबल पढ़ती थी, कंटिन्यू बाइबल पढ़ती थी, वही रोजे वाला सिस्टम, रोजे चल पड़े, 1, 5, 10, 11 रोजे चल पड़े चल पड़े। फिर वो मिनिस्ट्री मुझे दूर पड़ती थी, फिर मैं अपनी वहाँ, वो भी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी, वो मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे थी, फिर मैं उस मिनिस्ट्री में चली गई। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ भी वही सिस्टम कि रोजे, पवित्र आत्मा, शैतान, शैतानी हालात, ये सारी चीज़ थी। और पापा जी एक बात था कि जब से मुझे दशमांश के बारे में पता चला, मैं अपने बीच में खड़ी थी, मैंने कभी प्रभु के लिए, दशमांश के लिए अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, और ना ही किसी और चीज़ के लिए, प्रभु के घर के लिए अपना हाथ खींचा। पर मेरे हालात एज इट इज़ वैसे बने हुए थे, लोगों का, बुरे लोगों का मेरी ज़िंदगी में आना बंद नहीं हुआ। मतलब मैं बोलती हूँ कि मतलब मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी मुझे गंदी नज़रों से देखा, जो मेरे रिश्ते में भाई तक लगते थे। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि फिर जब मैं अपने पास्टर से बात करती थी तो वो ये बोलते थे शैतान है, शैतानी काम है। और मैं सोचती थी ये कैसा शैतानी काम है, मैं फिर भी चलती रही, फास्टिंग, बोना, हर संडे चर्च आना, प्रेयर करनी, सब कुछ करना। जब मैं फास्टिंग में होती थी तब और ज़्यादा ये चीज़ें मेरे ऊपर अटैक करती थी। तो अगर मैंने 3 फास्ट रखने के बारे में सोचा है तो अगर वो चीज़ें मेरे ऊपर अटैक करती थी, कोई कुछ बोल देता था इस तरह से, तो मैं 3 से 5 पे चली जाती थी, 5 में भी वो चीजें वैसी रहती, तो 5 से 10 पे चली जाती, 10 से 11 पे। मैं बोलते प्रभु अगर फास्टिंग से मेरा कुछ ये आप यही चाहते हैं तो मैं तो जितने मर्जी रख लूं, पर मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मुझे जिल्लत भरी जिंदगी से आजादी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे तुम्हारी जिंदगी में बुरे लोग आते थे, वो तुम्हें क्या कहते हैं उसको, इनविटेशन देते थे व्यभिचार का, मतलब वो
ऐसे है कि अब जैसे जैसे मतलब ये कि रिलेशन में है तो ऐसे इनविटेशन ही, जैसे फोन नंबर तो सभी के पास होते हैं। हाँ। कोई घंटी वीडियो भेज दी। अच्छा, या कुछ लिख के भेज दिया तुम्हें, मतलब पूरी तरह फोर्स करते थे गलत काम करने के लिए। और मैं सोचती थी कि मतलब क्या है, तो मुझे ऐसा लगता था, मैं बोलती मैं अनमैरिड हूँ, मैं बोलती प्रभु मुझे मेरा सहायक दे दे, है ना, मुझे मेरे प्रोटेक्शन दे दे, मेरे छत मेरे ऊपर कोई मेरे नाम दे दे मुझे किसी का, कि मैं बच जाऊं इन चीजों से, क्योंकि मैं डिप्रेशन में जा रही थी डे बाय डे। और मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था कि मैं रात को अंधेरे से डरती थी, जैसे अंधेरा स्टार्ट हुआ मेरे को सफोकेशन स्टार्ट हो जाती थी, मैं सोचती कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। तो मैं मेडिकल में थी तो मुझे पता है कि इसकी क्या मेडिसिन क्या है, कोई मैं मेडिसिन तो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज कुछ और है। मैं पूरी रात नहीं सोती थी पापा जी, और जैसे मैंने सोना कोई मेरा गला पकड़ता था, अंधेरा दिखती थी तो मेरे तो मतलब ये होता था सुबह कब होगी, मैं उल्लू की तरह जागती रहती थी पूरी रात। और मेरी मम्मा मेरे को ऐसा बोलती थी, खरा परमेश्वर है तेरा, है तेरे को नींद तो दे नहीं सकता है, और क्या देगा तेरे को नींद तो दे नहीं सकता। मैं सोचूं मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं। क्लेश कितनी थी, लड़ाई झगड़ा कितना था आपके घर में? पापा जी लड़ाई झगड़ा मेरी मम्मी के साथ तो बनती नहीं थी, भाई के साथ नहीं, उनके साथ ठीक थी, पर मेरी माँ तो मेरे लिए दुश्मन थी। ऐसे रोज हो रहा था, मेरी माँ तो मेरे लिए मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी अपनी, इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। और फिर उसके बाद क्या हुआ पापा जी, की मतलब जिस मिनिस्ट्री के अंदर मैं थी तो मैं बहुत लोगों को लेके जाती थी वही तेल पानी, और जब मेरे को सफोकेशन होती तो ऐसे जैसे इनहेलर यूज करते हैं, मैं तेल को ऐसे पंप करती थी तो शायद मैं थोड़ी देर के लिए उस साइकोलॉजिकली शायद मुझे कोई फर्क पड़ जाता था, बट नहीं, मतलब वो जीवन नहीं मेरे पास था। मैं चलती रही। फिर क्या हुआ कि मतलब अब मैंने सोचा कि मैं स्पेशल लैंड नहीं करवाऊंगी, प्रभु जब मैं अपने दशवांश बोने में खड़ी हूँ तो खुदा का दास खुद मुझे देखे, है खुद मेरे लिए प्रार्थना करे, खुद वो मेरे सर पे हाथ रखे। वहाँ पे मतलब दूसरी लैंड भी होती थी, एक बार ऐसा हुआ कि जैसे अब जान पहचान वहाँ हो गई थी तो किसी ने मेरे हाथ में नंबर दे दिया फ्री लैंड का कि इस नंबर पे जाके आप अपना कार्ड बना लो, है ना। तो ठीक है, मैं अपने नंबर का वेट कर रही थी, मैं खड़ी थी और मैं चल, और मेरे बड़ी खुश थी कि आज खुदा के दास मेरे सर पे हाथ रखेंगे और आज तो मैं हर चीज से आजाद हो जाऊंगी। मैं वहां खड़ी थी, एक सिस्टर आए, उसके हाथ में गोद में बच्चा था, वो मेरे पास आई, सिस्टर मेरा बच्चा बहुत बीमार है, जैसे आपने अपना कार्ड बनाया ना प्लीज मेरा कार्ड भी बना दो। वो रोने लगी, मैंने बोला मेरे हाथ में तो कोई और ही नंबर देके गया हुआ, मैं कैसे कार्ड बनाऊंगा ना आपका। वो रोने लगी, मेरे बच्चे, उसके बच्चे को शायद कुछ दिक्कत थी, उसने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं स्पेशल लैंड करवाऊं, पर फ्री वाला मैं नंबर नहीं लग रहा है, वो कॉलम पूरा हो गया है, और ऐसा करो कि आप प्लीज कुछ करो मेरे लिए। अब मैं सोचूं मैं क्या करूं, मैंने बोला ले तू मेरा नंबर ले ले, तू मेरे नंबर पे चली जा, कोई बात नहीं, तेरी दिक्कत बड़ी है, मेरी दिक्कत कोई नहीं, मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं, फिर दोबारा देख लूंगी। जब मैंने उसके हाथ में काट दिया, उसने पापा जी मुझे इतनी आशीषें दी ना, बहुत आशीषें वो दे के गई, मतलब वो इतनी खुश हुई। मैंने फिर मैंने प्रभु वही आशीषें तो लग गई आज, सच में पापा जी इतनी आशीषें उसने मुझे दी, वही लग गई तुझे आशीषें। और मेरे साथ जो और लोग थे उन्होंने बोला बड़ी मुश्किल से तो खुदा के दास से मिल रही थी, तो किसी और को देके आ गई अपना कार्ड। मैंने बोला कोई बात नहीं, उसको ज्यादा जरूरत थी। फिर मैंने परमेश्वर की ओर देखा, मैंने बोला खुदा आज तो मैं प्रभु के दास से मिलना था मैंने, पर आप तो बोलते हैं कि, पर आपका वचन बोलता है कि धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, अब मुझे तो इसमें कोई भलाई नजर आ नहीं रही है, पर चलो ठीक है कोई नहीं नेक्स्ट टाइम। फिर क्या हुआ कि फिर हमारी वहाँ लोकल ब्रांच खुल गई, फिर मैं उस लोकल ब्रांच में गई क्योंकि मैं फाइनेंशियली ठीक थी तो हर चीज़ में मुझे उन्होंने हेड बना के रखा। मेरा घर भी बहुत बड़ा है तो मेरे घर पर 40-50 लोगों की संगति होती थी, मेरे घर पर तो संगति तो होती थी बट कलेश वैसा ही, जब संगति होनी है तब कलेश घर में ऐसा होना कि तू मर या मैं मर। मेरी माता से बोलती हूँ तो निकल जा मेरे घर से, चली जा मेरे घर से, देख लो कितना पढ़े लिखे थे ये। और ऐसे बोलते थे खराब तेरा परमेश्वर ये सिखाता है तेरे को, क्योंकि पता नहीं क्या होता था जब मैं उपवास में होती हर मैं पता नहीं क्या क्या बोल जाती थी उनको। अच्छा ये सारी जो इतनी आपकी लाइफ में इतना बुरा हाल था, फिर एक दिन आपको इस मिनिस्ट्री की गुड न्यूज मिली। मेरे को गुड न्यूज किस तरह से मिली पापा जी, है ना, मैं लोकल वहां तो थी, मैं जाती थी अपना काम करती थी, वहां से भी प्रभु ने मुझे हटाया। किस तरह से हटाया वो मुझे बाद में बातें समझ आई। एक दिन मैं गई वहां पे, 15-20 लोग उस मिनिस्ट्री के अंदर थे क्योंकि नई ब्रांच खुली थी, मतलब वो तो मैं गई तो एक सिस्टर वहां पे थी, वो अजीब ढंग के उसने कपड़े पहन रखे थे। मैं बोलूं इसने इसको हुआ क्या है आज, है ना, ये सूट पहन के आती थी चंगा भला, आज क्या पहन के आई हुई। फिर उसके बाद जब हमारी मीटिंग खत्म हुई फिर उसने खुद ही बोल पड़ा, और मेरे को बाउंसर बनाया है ना तो मैं ऐसे कपड़े पहन के आ गया, आज मेरे पास ड्रेस नहीं थी बाउंसर की, तो मैं
मैं बोलती हूँ कि जैसे मैं बातों को नोट कर लेती हूँ, मैंने बोला 15 तो यहाँ लोग, अब बाउंसर की यहाँ क्या जरूरत है, मैं कि ये लोग तो अपना ही देख रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, इनको प्रभु से कोई लेना देना नहीं है ना। मैं बोला मैं नहीं आऊँगी इस ब्रांच में, मैं मेन में ही जाया करूँगी जब मैंने जाना है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर से मेरी जिंदगी में एक हालात आया, फिर से मुझे किसी ने बहुत गलत बोला। उस दिन मैं इतनी टूटी कि मैं प्रभु के साथ प्रार्थना करते करते बेहोश हो गई। मैं मतलब 1 घंटे तक बेहोश रही कि मैंने बोला प्रभु अगर आप मुझे इज्जत की जिंदगी नहीं दे सकते ना, तो मेरे को सुसाइड करने का मेरे में हिम्मत नहीं है, बट कुछ ऐसा कर लो कि उठा लो मेरे को, मैंने जीना ही नहीं इस दुनिया के अंदर, चे इतनी बुरी दुनिया है। फिर मैंने सोचा कि रूल रेगुलेशन साइड में अब तो स्पेशल लैंड ही करवाऊंगी जाके, और मैंने क्या किया कि अब संडे आना था, मैंने बोला स्पेशल लैंड करवाऊंगी, खुदा के दास मेरे सर पे हाथ रखेंगे, मेरा हालात ठीक हो जाएगा। और बाई चांस अगर हालात ठीक नहीं होता तो ना तो संसार के देवी देवताओं में जाऊंगी और ना मैं खुदा को मानूंगी, मैं अकेली जीऊंगी, जैसे मर्जी में जीऊं मैं अकेली जीऊंगी, मैंने ये सोच लिया था। फिर क्या हुआ कि अंजू सिस्टर बद्दी से उन्होंने मेरे को फोन किया, ये यहाँ पे आके इनको छुटकारा मिल चुका था, इन्होंने मुझे बोला ऐसे ऐसे दीदी एक चर्च है ऐसे ऐसे और मैं आपने वहां चलना, मैंने बोला मैं स्पेशल। अंजू कौन है? अंजू, अच्छा हाँ ये अंजू, इसने आपको कॉल किया? इन्होंने मेरे को कॉल किया, और दूसरे जो अभी गवाही देके गए वो भी उनको पता, उन्होंने मुझे बोला कि दीदी एक बार आप देख लो, मैंने बोला मैं स्पेशल लैंड करवाने जा रहा हूँ, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, अब मेरे यहाँ गले तक आ चुकी है, तुम मेरे हालात नहीं समझ सकते। फिर उन्होंने बोला चले जाना 2 दिन बाद चले जाना, पहले सुनो तो मैं आपको एक लिंक सेंड कर रही हूँ और आप उसको देखो और उसके बाद आपने डिसाइड करना जो भी। मैं ऑफिस में थी, मैंने एयरफोन लगाए, मैं कहा चल भेज दो, मैंने ऑफिस में थी मैंने एयरफोन लगाए और उस पर थंब नेम था पापा जी आपकी प्रीचिंग थी वो क्या रीति रिवाज हमें अनंत जीवन दे सकते हैं और हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, ये उसका थम वो था। मैंने एयरफोन लगाया और आपकी खाली प्रीचिंग थी उसमें, तो आप बात कर रहे थे उसमें था गलातियों की पत्री 3:23, क्योंकि बाइबल बहुत पढ़ती थी तो वचन पता था कहाँ कहाँ है। उसमें लिखा था कि व्यवस्था सिर्फ हमारे लिए एक वो थी, रखवाली थी, जब तक विश्वास ना आए, और जब विश्वास आ गया तो हम व्यवस्था से आज़ाद हो गए, व्यवस्था के अंडर हम नहीं है। और मेरा उस वचन ने मेरा जीवन बदल दिया, एक वचन ने मेरा जीवन बदल दिया पापा। मैं बोलूं मैं कहां थी। फिर आप आगे वचन बोलते रहे, मैं पढ़ती रही, मैं बोलती हूँ। और जब मैंने आपकी 1 घंटे की प्रीच पूरी की, सब कुछ सेट था, मेरा माइंड मेरा सेट था कि समझ आ रही ना आपको, सबको सोच कर देखो इसकी लाइफ और लोगों को कितनी जरूरत है राइट शिक्षा की, कितनी जरूरत है लोगों को। अगर कोई इतनी बड़ी शिक्षा को समझकर भी जीवन ना पाए तो फिर वो वचन जो वो अपने आप को क्या कहते हैं, रोमियो में पढ़ाया था ना, अपने आप को बुद्धिमान समझकर क्या बन गए, मूर्ख, वो वचन उनके लिए फिर बराबर हो जाएगा। अरे खुदा ऐसा नहीं है जैसे दुनिया समझती है और प्रभु के लोग भी उसे क्या समझते। अब 90 रोजे के बाद कह रहे हैं कि ये परीक्षा है, मुझे समझ नहीं आती कैसा खुदा फिर ऐसी परीक्षा क्यों देता हूं, हो सकता है ऐसी परीक्षा ऐसी चीज। अब देखो वो साल से 12-12 गोलियां खाकर मर रही थी, बस मैंने उसको कहा इन सारी बातों को साइड पर कर दो, ये विश्वास है खुदा ऐसे है, वो एक तरफ है, वो एक अच्छा है, वो आपके लिए बुरा नहीं सोचता, वो आपकी कोई परीक्षा नहीं लेता, शैतान आपके लिए है ही नहीं, उसको दिमाग से निकाल दो, वो साइड पर कर दो, अपनी प्रार्थना में शैतान को लेने की जरूरत ही नहीं। बस मैंने उसको राइट किया, उसकी जिंदगी बची। अब सोच कर देखो इसके बारे में, इसने हमारी टीम मेंबर को बताया कि कई लोग बड़ा किंतु परंतु करते हैं सही शिक्षा से, पर मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मैंने कोई किंतु परंतु नहीं किया, पहली बार ही सुनकर मैंने समझ कर विश्वास कर लिया, पहली बार। सोच कर देखो इस बच्ची ने। अच्छा उसके बाद जब तू इस शिक्षा में आई, फिर तेरा लैंड हुआ इधर,
फिर तू बढ़ने लगी, यहाँ आने लगी। जी पापा जी, मैं लैंड के लिए तो एक फिर जो ममता दीदी है बद्दी से, हाँ। फिर मैंने उनसे बात की, फिर हमारी काफी डिस्कशन वचन को लेकर आपस में हुई, फिर मैं उन्हीं के साथ फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी। फिर पर मैंने फिर उसके बाद क्या किया कि मैंने आपकी प्रीचिंग स्टार्ट की 31 दिसंबर से, देखनी स्टार्ट की 31 से, हर 31 दिसंबर से स्टार्ट की। जैसे दूसरे दिन संडे था, संडे की, वीरवार की, ऐसे में आपकी प्रीचिंग देखती रही, अपने रजिस्टर पे नोट करती रही, करती रही, करती रही, और मुझे सारी बातें अब समझ आ चुकी थी, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, और आपका विश्वास बिल्कुल सही हो गया। मेरा विश्वास बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद फिर आपकी अब जिंदगी कुछ भी नहीं, उसके बाद रही बुरे लोगों की बात, वो तो मेरी जिंदगी से ऐसे दौड़ दौड़ के भागे, मैं रोकना भी चाहूँ फिर भी नहीं रुके, वो भागना है, हमने जाना है, ऐसे दौड़ दौड़ कर भागे बुरे लोग जो आ रहे थे। ये थी वो ताकत खुदा की सच्चाई में। तुम लोगों को ये पकड़ना है, सपने इस सही शिक्षा को दिल से लेना है, पूरे मन से, पूरे मन से ये करने की जरूरत है आपको आज से, ये करने की बस जरूरत है आप लोगों को। वो खुदा भला है, उसने ऐसा किया ही नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। ये कितना ज्ञान संसार में कर्म किस्मत पर लोगों को लगाया हुआ है, प्रभु में भी आ जाओ तो वही हाल, तो वो ऐसा है, वो ये कर देगा, वो कर देगा, चदान वो पता नहीं क्या क्या दिमाग में डाल दिया। परमेश्वर सच्चा है, उसने हमें जिंदगी देने के लिए क्रॉस पर चढ़ा था, खूबसूरत जिंदगी, शांति भरी जिंदगी। जब तुम अच्छा मन बनाकर एक तरफ उसके मन लेकर चलोगे ना, बाकी चीजों साइड कर दो, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, अपना रिश्ता बस अगुएस के द्वारा परमेश्वर के साथ बनाओ, कितनी जबरदस्त बरकत चाहिए, क्या चाहिए, सब आ जाएगा तुम्हारे। अब तुम लोगों ने खुदा के लिए जीना है, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, क्योंकि बहुत क्रिश्चियनिटी के अंदर लोग हैं जो अभी परेशान है, दुखी है, बहुत है, बहुत हालातों में, जितने भी हैं सब हालातों में। तो मैंने उन्हें बताया वापिस जाके, उन्होंने मुझे बहुत कॉल की कि मिनिस्ट्री में आओ, मैंने बोला नहीं, मैंने बताया तो उन्होंने मुझे प्रोटेस्ट किया, मेरे साथ मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि तू गलीसिया को तोड़ रही है, ऐसा कर रही है, मैंने बोला कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। तो मेरे अब मतलब मेरा मोटिव जो अब है ये है कि जो परमेश्वर में है और फिर भी प्रभु में नहीं है उनका हाला, मैंने सिर्फ उन रूहों को, सबसे पहले उन रूहों को बचाना है, चलो दूसरी भी बचाना, पर सबसे पहले तो उन्हें निकालना है। और मैं इसके लिए मतलब काम कर रही हूँ, मैं उन लोगों से बात करती हूँ कि हमें गलत शिक्षा में और वचन के अनुसार मैं उन्हें बताती हूँ, पर जिनकी शैतान ने बुद्धि, वो बोलते हैं ना बाबा जी कि लोग परमेश्वर की ओर नहीं देखते, अगुए को ही भगवान बना देते हैं, उनका हिसाब कईयों का ऐसा हो चुका है, हो गया ना, ऐसे वो हो सुनना गया। ही नहीं चाहते, सुनना नहीं ना। अब यहाँ क्या होगा, हाँ जी, यहाँ दो चीजें होगी, एक हमारा विश्वास, हाँ जी, एक हमारा अंगीकार और हमारी प्रार्थना, हाँ जी। इसको राइट रखना, पत्थर भी आपके पीछे आ जाएंगे। यस आमीन, बोलो यस आमीन। यीशु मसीह ने कहा था इन्हें रोको मत, नहीं तो आज पत्थर चीखेंगे, क्या करेंगे, तो पत्थर बोलने लगेंगे, आराधना करने लगेंगे। तो ये वचन हमें ये समझाता है, हमने खड़े रहना है परमेश्वर के साथ, धन्यवाद ये हो चुका है, ये बदल चुके हैं, आप मेरे साथ हो, मैं ऐसे ही प्रेम में रहता हूं, और देखना वो सारे लोग एक दिन आएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परमेश्वर तेरे साथ है, इस बड़ी गवाही के लिए जो तेरे जीवन में किया है, उतना ही अब तुम्हें परमेश्वर ऊंचा करेगा, तुम्हें इस्तेमाल करेगा, तुम्हें ब्लेस कर चुका है परमेश्वर, और बहुत इस्तेमाल कर चुका, तेरे ऊपर पूरी बरकत आ चुकी है। हालेलुया, तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहां आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारन रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।